जय जोहार जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सब मन के इनफिनिट क्लास में। माइक हो गए खराब, रिकॉर्डिंग में जो है वो, मगर आवाज थोड़ा सा गुंजन हो सकते। डीएड बीएड के मॉडल आंसर की के साथ इनफिनिट क्लास आप मन पर उपलब्ध हो है। और सवाल आज के दिन रही से सुबह शिफ्ट में मॉडल आंसर की में पहला पार्ट कार्य निरीक्षण सामान्य मानसिक योग्यता। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, का कही कि वह मेरे पिता की पत्नी मतलब और अम्मा, और अम्मा की बेटी मतलब और बहनी, और बहनी के दो भाई मेरे छोटा भाई है, एक तो मैं भाई हो गया और दूसरा मोर छोटा भाई हो गए। तो सही उत्तर का हो गए भाई हो जाते हैं। हमारा सही उत्तर आ गया आपके भाई, ठीक है। ओकर बाद हम बात करते हैं दूसरा। बूढ़ा के मतलब है पी क्यू की माँ है, आगे के मतलब है पी क्यू की बहन है, प्लस के मतलब है पी क्यू का भाई है, और माइनस के मतलब है पी क्यू का क्या है पिता है। के और डी के बीच में संबंध बताना है। तो डी और एकर बीच में क्या संबंध है, तो मतलब बहन, ये बहन है एकर, एफ के एफ माइनस मतलब की होता का है पिता है, काकर डी के टी है भाई है काकर के, मगर के है बहनी है के भाई है नहीं पता है। ये दोनों माँ भाई भाई भी हो सकते थे, भाई बहनी भी हो सकते, ओकर है पिता है ओकर है बहनी है, मतलब यह बुआ है। तो ए हटाए डी से किस प्रकार के का संबंध है, तो के है या तो भतीजा हो सकता है या का हो सकता है भतीजी, ठीक है। ओकर बाद जे हम बनाए उमर तीसरा सवाल मामा जब फिट करें तो हमर फिट करे में तुम्हार फिट करे में अगर दूसरा एक कमेंट सेक्शन में जरूर बता। तो फिट करे वाइज 2 3 4, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हुई। एक फिट करे के बाद आकृति में चौथा देखतन, लड़कियों की एक पंक्ति रही जो मनसा बाय से 8वें स्थान पर रही से, हिंदू कहा रही से दाएं से 17वें स्थान पर रही से। तो राइट से जब रही थे, राइट से जब लेफ्ट से बात होते तो लेफ्ट से क्या करना होते हैं, मतलब राइट वाला मेनली दे दिए गए, ठीक है। तो पहला है लेफ्ट से 8वां और दूसरा क्या है राइट से। तो नया पोजिशन काकर काकर चेंज हो उसके हिसाब से हम देखो, ठीक है। तो एक हजल दिए कहां पर 14वां स्थान पर, और एक कहां पर आ गए 17वें स्थान। स्थान बदलने पर मनसा के नए स्थान हो गए 14वां, और मनसा पहली कहा रही से 8वां में, तो जब स्थान बदली से, ठीक है, तो 14वां नंबर में आ गए। और 17वां से राइट में कौन बैठे हुए, रीना बैठे हुए, तो 14वां में अगर हुए तो 17वां में, ठीक है। तो एकर मतलब क्या हो गए 16वां, और ऑलरेडी वो कहा रही से 8वां से कहां पहुंच गई से 14वां, और भी 14वां कौन सा इसे पहुंचे बाएं से, और बाएं से आप मन देखा पहली 8वां में रही थे, अब 14वां में पहुंच गए। तो ए में कहा होगे 17वां से पहली होना चाहिए, वो जेल भी सी जो है दाएं से 16वां है, तो 17वां में रही थे, तो 16वां पहली कहे कि 14वां 16 के बाद फिर एकर बाद का है अपन 14वां स्थान, मतलब कहां जा सकते ज्यादा से ज्यादा 13 प्लस 1 प्लस 16, तो कितना आ गया उत्तर अपन के 30, यही हमर बनाया। ओकर बाद हम ब्रश युब्रश ब्रश जेल में करी ब्रश ब्रश करे के बाद जे नहीं हो सका क्रम से अलग जो आता है ओकर हमने निकाले, वो कौन सा ऑप्शन निकाले बी। तो पांचवा क्या हमने निकाले बी, ठीक है, पांचवा क्या है बी। छठवा जो है जाल में, जाल को मोड़ कर घन बना दिया जाए तो आकृतियों में से किस आकृति की तरह दिखाई देगी, तो जब मोड़ ले वापस सब एक साथ ले आओ तो कौन सा आकृति बनी है, हमारे से सवाल पूछे गए। तो छठवा में जो आकृति बनी, ठीक है, वो हमारा आकृति बनी डी, ठीक है। तो ए इधर नीचे आ गए, नीचे हो जाए इधर बगल में तो खाली वाला है, ठीक है, खाली वाला के पीछे में एक खाली वाला आ जाए और इधर पीछे में ये वाला, तो ए हमारा हो गए बी ऑप्शन, ठीक है। ओकर बाद हम देखते हैं सातवां। सातवां में क्या है, अरुण भानु से लंबा है और भानु चरण से लंबा है, अरुण भानु से लंबा है और भानु चरण से लंबा है, लेकिन दिलीप से छोटा है, सबसे लंबा कौन, ठीक है। तो अरुण भानु से लंबा है, भानु चरण से लंबा है, लेकिन दिलीप से छोटा है, तो लंबा तो ऑलरेडी भानु से भी लंबा कौन निकल गया, ठीक है। एमएल देखा सातवां अरुण निकल गया, तो सबसे लंबा कौन हो जाए अरुण, चरण से लंबा लेकिन दिलीप से छोटा, अब दिलीप और अरुण के बीच में मतलब कोई चीज दिए है मेरा नहीं दिए, ठीक है। अरुण भानु से लंबा है और भानु जो है चरण से लंबा है लेकिन दिलीप से क्या है छोटा है, और दिलीप के बारे में कोई जानकारी है मेरे उपलब्ध है, ठीक है। ओकर बाद हमारे अरुण के ओकर बाद श्रृंखला दिए 22 21 23 22 24 23 22 21 23 22, एक बड़े नंबर है 24 23, तो अब का है 25 24, 21 22 23 22 23 24 25, तो हमारे का उत्तर है 25 25 जो है सही उत्तर हो जाए। ओकर बाद देखा
एक आकृति का चयन करे जो पांच समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित उसी श्रृंखला को जारी रखे। ठीक है, तो एमा जो हमने बनाया नौवा नंबर में, ये नौवा नंबर के हिसाब से हमारा जो उत्तर आई सोका होगी आकृति ए बी सी डी और एम एल दी है 1 2 3 4 उत्तर आकृति। समस्या आकृति दिए गए हैं, श्रृंखला जो हमने बनाया पांच समस्या आकृति स्थापित उसी श्रृंखला को जारी करेगी, तो एमा जो हमारा उत्तर आई वो आई उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या उत्तर आई उपरोक्त में से कोई नहीं। मॉडल आंसर में जो है पहले से पुराना जो लेकर दिए थे टिक लगा दिए, तो अभी ध्यान रखें मॉडल आंसर के हिसाब से नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं आगे। ओकर बाद हम 10वां रही से 10वां देखा अलग कौन सा है, स्टार है तथा सर्कल है तथा जेड है, क्रम देखा अगल बगल कौन कौन है ओकर हिसाब से थोड़ा सा डाउट भी थोड़ा सा बनाए के टाइम में, मगर एक उत्तर जो हमने लिखे हैं तीन तालिका है ए ऑप्शन। आप मन भी कमेंट सेक्शन में अगर दूसरे लगे तो ये तो बता रहा ठीक है ओका वेरीफाई कर। 10 लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया की रैंक लड़कियों में 4th और कक्षा में 18 है। पूरे कक्षा में 18 और लड़कियों की संख्या में कितना है 4 है, तो कक्षा में लड़कों के बीच जया की रैंक क्या है। ठीक है, ये हमारे से पूछे गए 11वां नंबर के सवाल में। तो सबसे पहली जो चीज है तीन लड़के ऐसे हैं जिन ज्यादा लेके आए कहां से काका से ज्यादा लेके आए जया से, तीन लड़की मतलब ऑलरेडी ज्वाइन हो गए वहां। अब एआई 14वां कक्षा में होकर रैंक आए 18वां जिनमें से तीन लड़की ऑलरेडी जो है वो निकल गए, बच गया कितना लड़का जितना भी लड़का रही से टोटल लड़का वहां से कितना बच गए। ठीक है, तीन उधर हो गए 18 में से तीन निकल गए तो 15, तो लड़कों के बीच जया की रैंक क्या है तो हमारा का उत्तर आ जाए 15। ठीक है, तो अगर रैंक हो जाए 15। बारवा सवाल देखते हैं, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चला बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, एक व्यक्ति का उत्तर की ओर लेके गए। ठीक है, तो ए तरफ उत्तर की ओर गेज करना 5 मीटर। ठीक है, बाईं ओर मतलब राइट। ठीक है, राइट लेफ्ट लेफ्ट गेज लेफ्ट करना गेज 10 मीटर। ओकर बाद तो इस वहां से दाहिना मतलब का हो राइट और राइट में कितना गेज 20 मीटर। ठीक है, ओकर बाद का है फिर दाहिना मतलब फिर राइट और कितना गेज 10 मीटर। अब क्या बताना है आरंभिक बिंदु से कितना है, ये आरंभिक बिंदु रही यहां से 5 गेज ऊपर गेज यदि 20 गेज तो 20 और 5 ये भी हमारा हो गया 20 और 20 के साथ का हो गया 5 तो 20 और 5 कितना हो गया 25, तो 12वां नंबर का आ गया 25 तो उत्तर हो गया 25। ये सीधा सीधा 5 और सीधा सीधा 20। ठीक है, 25 हो गया। 13वां में देखा 13वां जो नंबर बनाया 13वां के हमारा आंसर लिखे हैं आकृति मिलाए के बाद संख्या के समय के हिसाब से ये हो गए बी ऑप्शन हमारी। ठीक है, हमारा ऑब्जर्वेशन यही कि 13वां में बी है। 14वां हमें बात करें उत्तर की ओर मुड़ किए हुए बच्चा है। ठीक है, फेस गति पर है 40 चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, 40 बच्चा जो है कौन तरफ मुड़ करे हुए उत्तर सतीश इज एट टू द राइट ऑफ अजय, सतीश अजय के दाएं से 8वें स्थान पर है। यदि अजय पंक्ति में दाएं छोर से 18वें स्थान पर है तो सतीश जो है पंक्ति से बाएं छोर पर कौन से स्थान पे होगा ये पूछे गए। ठीक है, तो 14वां नंबर के जो हमारा सॉल्यूशन रही से वो हमारा इस 31वां ऑलरेडी पूछे गए सवाल है और वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है मैं दिए थे 31वां। ओकर बाद है गोपाल को याद है कि उसके दोस्त राजेश का जन्मदिवस कब आता है तो 4 दिसंबर के बाद लेकिन 7 दिसंबर से पहले, 4 दिसंबर के बाद लेकिन 7 दिसंबर से पहले। राजेश की बहन जिसका जन्म 8 दिसंबर को हुआ था को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन या तो उसके जन्मदिन से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद होता है, राजेश का जन्मदिन कब है तो 2 दिन बाद तो हो नहीं सकता है कि 10 हो जाए, तो 2 दिन पहले अगर बात करें 8 दिसंबर को हुआ था तो 2 दिन पहले कौन सा तारीख पड़ जाए। ठीक है, तो 2 दिन पहले एमएकाउस 7 से 6 पोजीशन हो गए। ठीक है, 15वां नंबर में तो ये हमारा हो जाए 5 दिसंबर। 8 के जन्म हुई तो 8 के 2 दिन पहले, 8 के 2 दिन पहले मतलब 7 के भी पहले और 6 के भी पहले तो कहा आगे 5 दिसंबर। ये तो पहले इसे लगा कि इसे प्रिंट करें थोड़ा मिस्टेक हो गया इसे लगे दर्पण वर्पण वाला
ठीक है, मगर बाद में पता चली प्रिंटर की खराबी ना है, सवाल है छे तो 16 नंबर के जो सवाल है से मां जो कि धब्बा लगे है ऑलरेडी है देखन, ठीक है लेफ्ट राइट में से तो लंबवत रखा जाए तो चित्र में बाई ओर की छवि इस प्रकार से दिखाई देगी अगर लंबवत रखा जाए तो, ठीक है थोड़ा सा डाउटेबल है बाकी एक बार आपनों का वेरीफाई करिए। 17 नंबर श्रृंखला में हम देखा था श्रृंखला में आया 6 8 8 फिर 1 2 6 8 6 फिर 1 2 3 6 8 8 फिर 1 2 3 4 फिर 6 8 6 1 2 3 4 5 फिर कहा है 6 8 8 1 2 3 4 5 6 फिर 6 8 6 तो कहा उत्तर आ जाए 8 तो एक सही उत्तर कहा है 8, ठीक है तो जो टी के वाला ध्यान मत रखिए वो दूसरे लेकर पेपर में थे तो ये रिपीट हो गए ये हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला सवाल कुछ पक्षी जानवर है सभी जानवर नदियां हैं और कुछ नदियां शेर हैं, ठीक है तो हम अलग का पूछे गए निष्कर्ष का सही हुआ है वो हम अलग पूछे गए तो का निष्कर्ष सही हो जाए हम से 18 नंबर में कुछ शेर जानवर है और कुछ पक्षी जानवर है तो ए जानवर है एमा कुछ पक्षी सभी पक्षी की बात नहीं सभी जानवर क्या है नदियां है तो ए हो सकता था कि सभी जानवर जो है वो नदियां है पक्षी के क्लेरिफिकेशन नहीं, ठीक है कुछ नदियां अब सभी जानवर नदियां है तो एमस कुछ जानवर जो नदी में भी आया पक्षी में भी आया कुछ नदियां शेर है तो काम मिला था हमें कुछ नदियां पक्षी है क्या कि नदी में तो आ गए तो पक्षी है ये सही है कोई जानवर शेर नहीं है काहे काहे कि कुछ नदियां शेर है और जो कुछ नदियां शेर है तो सभी जानवर नदियों के बाहर भी हो सकते हैं तो जरूरी नहीं है तो कहा हो जाए 2 और 3 के अनुसरण करते सी ऑप्शन है 2 और 3। 19 ये सवाल में कहा दिए ये सवाल में बोले कि जो भी संख्या दी गई है वो संख्या में पहला और दूसरा नंबर ला इंटरचेंज कर देना, ठीक है तो 8 और 3 के स्थान पर 3 8 के स्थान पर चल जाए तो 8 3 5 फिर कहा हो जाए 7 4 2 फिर कहा हो जाए 6 9 1 फिर कहा हो जाए 2 5 8 फिर कहा हो जाए 8 2 और 4 अब एक आम काम क्रम में लिख देता है डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि कम होने वाला में तो सबसे पहली कहा है हमारे पास 8 3 5 फिर कहा हो जाए 8 2 4 फिर कहा हो जाए 7 4 2 फिर कहा हो जाए 6 9 1 और फिर कहा हो जाए 2 5 8, ठीक है ये हो जाए और मैं सबसे पहली यहाँ पे काम समझ ला 8 2 4 आखिर डिफरेंशिएशन है पहला वाला ठीक है और बात देखना 5 संख्याओं में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समूह से संबंधित है और अन्य अलग है भिन्न संख्या क्या है 84 का देखा 4 से भाग करा 4 2 8 4 1 4 देखा देखा 4 1 4 4 4 16 4 2 8 14 किसे भाग कर नहीं कर सकन 4 1 4 36 में भाग हो जाना है 4 2 36 तो 94 जो है पानी है 4 से भाग नहीं हो। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, ठीक है पंचकोण षटभुज सात कोणक और कादी है पेंटागोन तो एमा कौन सा जो है वो कहां है अलग बताते हेक्सागोन हेक्सागोन जो होते हैं वो होते 6 भुज, ठीक है तो 6 भुज जो होते वो अलग है बाकी सब 5 7 11 के नाम हेंडा एक और हेंडा का कौन का होते 11, ठीक है मैं कर लिख देता हूं ए मेरे का हो जाए 11 ए मेरे हो जाए 11 ए मेरे हो जाए 5 ए मेरे हो जाए 7 मगर ए होते 6 तो अपन का लिखा था बाकी सब जो है वो का बनाते विषम और एक दिका बनाते सम तो का अलग हो जाए सम वाला अलग हो जाए तो ए मन के हेक्सागोन जो है अपन के अलग है, ठीक है ओकर बाद देखता निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, ठीक है ओम एम्पियर वोल्ट और केल्विन, ठीक है ओम एम्पियर वोल्ट और केल्विन हमें कहा जो है वो अलग है हमें बताना, ठीक है तो अगर हम बात करें एसआई यूनिट्स के तो एसआई में हार्ट से वोल्ट है फैराड है वेबर है वोल्ट है जूल है ये सब आ जाते हैं। 1 वोल्ट डिवाइड बाय क्या होते हैं 1 एम्पियर, ठीक है इक्वल टू 1 वोल्ट है 1 डिवाइड बाय 1 एम्पियर 1 ओम होते हैं तो हमारा सही उत्तर जो है हमारा क्या हो जाना है डी, ठीक है ये केल्विन जो है वो कहा जिसके टेम्परेचर मैनेजमेंट करे से टेम्परेचर से रिलेटेड है और बाकी सभी हमने देखा था इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है, ठीक है तो ये अलग हो गए। फिर है अब एक कोड देखो, ठीक है जो खा एमएल का दिए गए हैं। अगला सवाल देखते हैं एक निश्चित कोड में 1 2 3 का अर्थ है मैं जा रहा हूँ 3 4 5 का अर्थ है मैं खा रहा था और 1 4 6 का अर्थ है वह जा रही थी तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं शब्द दोनों में है 3 3 कट के मैं शब्द आ गए, ठीक है
चार है दोनों में है, जब के खा रहा वाला बात नहीं है तो चार यहाँ से कट गए, ठीक है, रहा था रही थी पर हो गए चार। ओकर बात का हो गए एक नंबर का वहां कट गए, एक नंबर कट गए जा तो जाओगे, छह नंबर व हो गए, तो खा के पूछे गए तो खा के कहा होता है पांच हो जाए, तो कहा है खा के पांच, ठीक है। एक और बात देखते हैं, अगला का पूछे गए श्रृंखला पूरा करना है 48, 240, 960, 2880, 5780, 5760 आधा हो गए 2880, ठीक है, और 2880 के तीन से भाग हो गए तो कितना निकल गए 960, 960 के चार से भाग हो गए तो कहा निकल गए 240, 240 के पांच से भाग निकल गए तो कहा हो गए 48, तो 48 के 6 से भाग हुई तो कहा हुआ 8, 8 छक्के 48, तो उत्तर आगे 8, ठीक है। 25 देखता है, घर घर बनाने के लिए कौन सी आकृति दी गई वस्तु पर फिट बैठती है, तो दी गई वस्तु के हिसाब से कौन सा आकृति रखे जाए तो घर बने जा सकते, ठीक है। 25 नंबर के सवाल है, थोड़ा सा डाउटेबल चीज है, मगर इसमें जो नमन ऑप्शन लेके आए हैं वो कौन सा ऑप्शन लेके आए हैं, सी ऑप्शन, ठीक है, कहा ऑप्शन लेके आए हैं सी ऑप्शन, आपने वेरीफाई कर लिया। 26 नंबर देखता है, रविवार को सतीश ने एक किताब पढ़ी, ठीक है, सुधा ने वह किताब अनिल से चार एक दिन पहले, लेकिन सतीश से चार दिन बाद, चार दिन बाद मतलब रविवार एक दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार चार दिन हो गए, तो चार दिन के बाद क्या हो गए गुरुवार, गुरुवार की कब पढ़ी, गुरुवार की पढ़ी साहब मन के सुधा, अब एक दिन पहले अनिल, ठीक है, अनिल कब पढ़ी सो है शुक्रवार, अनिल से एक दिन पहले, तो शुक्रवार जो है वो कहा करा है अनिल, ठीक। अगला देखते हैं, अगला सवाल जो है इंटरचेंज हो गए, ठीक है, सब जो सीक्वेंस है, माइनस का क्या करेंगे, माइनस का मतलब गुणा करेंगे, गुणा लगा दे, प्लस के मतलब क्या रखेंगे, प्लस का तो माइनस करेंगे, माइनस लगा दो, गुणा का मतलब भाग करेंगे, फिर भाग लगा दो, भाग के मतलब प्लस करेंगे, मतलब प्लस कर दो, तो बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले का साल हो भागी, तो 10 भागे 40 का हो गए 4, ठीक है। ओकर बाद हमें कहा होगी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में कहा 100, तो 100 माइनस 4 धन 96, ठीक है, एमए हो गए। अब एमए सबसे पहले कहा हो जाए 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 हो गया कितना 96, और 96 धन 96 192, तो कहा उत्तर हो जाए 192। 7 साल का बच्चा निहान पिछले 2 साल से अपने माता पिता से एक कुत्ता मांग रहा है, उसके माता पिता ने उसे बताया कि एक अपार्टमेंट पालतू कुत्ते के रखने की सही जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे एक पक्षी रखने की अनुमति दे दी है, निहान ने अभी तक तय नहीं किया है कि उसे किस तरह का पक्षी चाहिए, वह कथन याद कीजिए जो दी गई जानकारी को अनुसार सत्य होना चाहिए। निहान को पक्षी पसंद नहीं है, निहान के माता पिता को कुत्ते पसंद नहीं है, निहान और उसके माता पिता एक अपार्टमेंट में रहते हैं, निहान और उसके माता पिता ने आगे बढ़ने का फैसला किया है, तो कौन सा कथन जो है वो दी गई अनुसार सत्य होना चाहिए, तो अनुसार सत्य कौन सा होना चाहिए, हमारे पास सी ऑप्शन होना चाहिए कि माता पिता कहाँ रहते हैं, एक अपार्टमेंट में, और उस अपार्टमेंट में कुत्ता अलाउ नहीं है, और कुत्ता की जगह में क्या रखा जा सकता है, पक्षी रखा जा सकता है, ठीक है। ओकर बाद जो है हम देखते हैं 29 नंबर, आकृति से रिलेटेड बहुत सारा सवाल दिया, ठीक है, पिछले बार भी आकृति बहुत सारा गलत वाली से, तो एमा पूछे गए कि कौन सा घन नहीं बना है, काला आटामा घन नहीं बना है, ठीक है, तो जेन मा अगर देखो ये वाला साइड अगर देखा है, ठीक है, डी ऑप्शन, अगर ये चार है मेरे तो ऊपर में, चार नीचे जाए तो ये लेफ्ट में जाए कि ऑप्शन नहीं है घन, ठीक है, वो मेरे के हिसाब से अगर हम देखा तो कहा जाए डी। ओकर बाद हम देखता है 30 नंबर, ठीक है, अगला सवाल देखिए, ठीक है, रॉन्ग पोजीशन दिए, पोजीशन का क्या हमारा हो गए, ए हो गए 23, ठीक है, आर में का हो गए, आर में हो गए 18, ओ में का हो गए 15, एन में का हो गए 14, और जी में का हो गए 7, तो देखा एम में का हो गए, जब हमको बदले है तो एफ आगे 8वां नंबर, एम आगे 13वां नंबर, एन आगे 14वां नंबर 15 से पहले, क्यू आगे 17वां नंबर, और वी आगे 22वां नंबर, मतलब इंटरचेंज करे वो पोजीशन जो है वो कहा कर दिए है, एक एक जो है हम के बढ़ा दिए 6, 13, 14, 17 और 22, एक एक कम हो गए। अब नेक्स्ट देख, ये 7 रही थे, ये 6,
F मतलब 6 है ना, A ओवर। तो इसमें R I G H T, तो R की पोजीशन कहाँ है? E जो T, R कहाँ है? I G H T, ठीक है? तो T E जो T, T में कहाँ हो जाए? E J O T, मतलब कि A हो जाए 20। तब 20 है, तब 20 से पहली कहाँ आते? 19। तो T से पहली कहाँ आते? S। तो शुरुआत कहां से हुई? S, ठीक है? ये दोनों ऑप्शन में S है, मगर A में G दिए और G के एक पहले आना है, F आए, तो सही उत्तर क्या हो जाए? B हो जाए, ठीक है? तो ये हो गए पहला भाग। तो उसके बाद दूसरा भाग जो है सामान्य ज्ञान। 31 नंबर सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते, ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय में जाए के बाद न्यायाधीश अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी दूसरे पद पर जो है वो अधिकृत नहीं हो सकते हैं। तो एक जो सही है वो कहा हो जाना है? नहीं हो सकते हैं, मतलब पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं होते हैं। तो दूसरा जो कथन है वो तो सही है, मगर पहला पद जो कथन रह गए पात्र हो सकते थे, पात्र नहीं हो सकते हैं, तो पहला जो है सही नहीं है। तो यह मका उत्तर जाना है। दूसरा वाला काहे सही है, उकर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 148 के आधार पर दूसरा काम सही लेवा था, मगर पहला काम सही नहीं लेवा था, दूसरा जो है हमारा सही उत्तर हमारे खोजबीन के अनुसार, ठीक है? उकर बाद है, राजद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष जेल गए थे? तो राजद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक की जो है वो वर्ष 1897 में 27 जुलाई 1897 में गई से धारा 124 ए के अंतर्गत लगेरी से गिरफ्तार करेगी 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंदर मांडले वर्मा जेल के बंद जो है वो कार्य से बंद रही से 1897, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह राय व्यक्त की कि अतः कृषि विकास में समक्ष कार्य स्पष्ट है, हमें अगले 15 वर्ष में खाद्य उत्पादन को कम से कम 2 गुना करने और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि बनाए रखने का प्रयास करना होगा। तो शिक्षा के किस आयोग की बात करेंगे? तो शिक्षा के आयोग के अंतर्गत है कोठारी आयोग, शिक्षा आयोग जो कोठारी आयोग है, ठीक है? 1964-66 कोठारी आयोग के अंतर्गत हेमा जो है सबसे पहले सुधार की बात करेंगे, सिफारिश करेंगे, संसाधन का बेहतर प्रबंध करने के लिए बात करेंगे, ठीक है? आयोग मन राय कोठारी, तो कोठारी आयोग, ठीक है? उसके बाद है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, तो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग काला घोषित करेंगे ये सवाल हमसे पूछे गए, ठीक है? तो एमा सबसे जो हमारा मेन है 34 नंबर डी है ना, मतलब सभी राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें 4 आंध्र प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ कर्नाटक तमिलनाडु पर पांडिचेरी के अंदर एमा पूरा का पूरा सब जो है वो आंसर आ गया, ठीक है? एमा आगे सभी सही है हमारे जो डेटा के बारे में करेगा अभी। फिर 35, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या समानताएं होती हैं? धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या समानताएं होती हैं, ठीक है? 35 में अगर बात कर जाए तो ऑप्शन जो है वो एक तरीके से गलत दिए गए, एमा होना चाहिए 2 सही होना चाहिए, 3 सही होना चाहिए और 4 हमारे साथ है। तो एमा सब में 1 दे दिए, मगर 2, 3, 4 ज्यादा सही है, दोनों राष्ट्रपति द्वारा पूरा हस्ताक्षरित होते हैं, ये वाला जिन बात करेंगे वह सही नहीं, ऑप्शन 2, 3 और 4 बस सही होना चाहिए, ठीक है? तो एमा तो हटेक वाला ऑप्शन हो गया, दावा पत्ती वाला हो गया। कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत उपाय 1960 के दशक के मध्य में अपनाया गया, इसमें शामिल है, ठीक है? तो एमा शामिल है उपरोक्त में से सभी, ठीक है? इनपुट सब्सिडी, स्वतंत्रता के बाद है भारत में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 48, 56, 77, 80, 90, 91 ये सब में जो है वो ये सब चीजें देखेगी, ये मतलब है उपरोक्त में से सभी 1960 के अंतर्गत उपरोक्त में से सभी। सैतीस, बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आरटी अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प सही है? कक्षा 1 से 5 के लिए शैक्षणिक वर्ष में 200 कार्य दिवस एवं 800
शिक्षण एमा जो है वो आप मन के हो जाए ए 37 है ना, पहला ही सही है। ठीक है, पहला जो है वो सही हो जाए। एक बार जो अगला सवाल दिए गए होगा देखना, औद्योगिक क्रांति वाला भी अमर हो गए। ठीक है, उमा 5 करोड़ रुपए तक के इंक्लूड करेंगे इस हेवी इंडस्ट्री पर। नेक्स्ट MRTP अधिनियम कब हुई? ठीक है, 37-38 नंबर में 1999। ठीक है, फेमा 1969, औद्योगिक नीति संकल्प 1970, औद्योगिक लाइसेंसिंग 1956। ठीक है, वो पहले सवाल भी दे दिए हैं, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन के जो है 1970 है, तो दिए गए ऑप्शन में से डीमा 2 है ना, सीमा 38 मा सीआई 39 की समाचार पत्रों का उनके संपादक अथवा संस्थापकों से सम्मानित करने की बात है। ठीक है, इमा का दिए है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, वायुन्द्र कुमार घोष, ठीक है, मोहम्मद अली राजा राम मोहन राय। एक चार सवाल में हमारा जो है सबसे पहले मिरातुल अखबार जो है वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो एमा एमा 4, ठीक है, बी कामरेड 3, मोहम्मद अली, अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, युगांतर, वारिंद्र कुमार घोष, तो बी ऑप्शन। ठीक है, 39 में कहा गया है बी ऑप्शन। भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो भारतीय मानसून के संदर्भ में दिल्ली में वर्षा सामान्यता बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है जो है वो कहा है पूरी तरीके से गलत। 41 राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा में शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी निकाय कौन सा है? ठीक है, तो NCERT। ठीक है, कौन है? SCERT स्कूल एजुकेशन है ना, SCERT जो है उत्तरदायी है। मेनली जो है बात करी जाए SCERT। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं से हुआ। 42 निम्न में से कौन सा संस्थागत वित्त का स्रोत है? रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है स्रोत है। 43 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 42, ठीक है, 43 में इधर कंफर्म नहीं हो पाई है ना, स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार, स्कूली शिक्षा के विकल्पों विशेषकर और अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना, एमा क्लैरिटी नहीं हुई ऑप्शन नंबर 43 के। ठीक है, क्वेश्चन के 44 खादर पुरानी एवं बांगर नहीं जलोढ़ मिट्टी रेगर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? एमा 2 कथन में से कौन सा कथन सही है हमारे पूछे गए? ठीक है, तो एमा दोनों ही कथन जो है वो आए सही, खादर पुरानी और बांगर नहीं जलोढ़ मिट्टी है और रेगर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। 45 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्य जो है वो, ठीक है, मुख्यतः 15 से 35 आयु वर्ष के 80 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता क्या करना है प्रदान करना, NLM नेशनल लिटरेसी मिशन। सामान्य मनुष्य में ध्वनि को सुनने की क्षमता आवृत्ति परास में होती है। ठीक है, तो कितना फ्रीक्वेंसी रेंज में होते हैं सामान्य व्यक्ति के अंतर्गत सुनने की जो क्षमता होते हैं वो 96 ये होते 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज 47 से भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय, न्यायालय के भवन का संधारण। ठीक है, पूरा क्लियरिटी के साथ सब ऑप्शन में जो है अगर कोई ठोस उत्तर नहीं मिल पाए। गैस पाइपलाइन का विस्तार है, ठीक है, गैस पाइपलाइन का विस्तार सलाया से जलंधर में तो ऑयल है, ठीक है, और बाकी सब मां आपने कहा है गैस पाइपलाइन, दो तीन चार सही। बिनाइन ट्यूमर न्यूप्लास्टिक कोशिका कहलाता है, निस्तर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाता है। ठीक है, एमा अगर बात करें तो ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, एक सौम्य और दूसरा घातक। ठीक है, एमा से सौम्य ट्यूमर आमतौर पर मूल स्थान तक ही सीमित रहते हैं, दूसरे भाग तक नहीं जाओ, घातक चले जाते हैं। ये आंसर थे, निष्कर्ष तक क्लियर कर पाना जो है बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर तक के। अंतिम कुछ सवाल बहुत एकदम ज्यादा जो है वो परेशानी करे वाला नहीं है, तो आज लगभग 10-12 सवाल एक तरीके से हमारे हुए हैं। करेवा है, करेवा, ठीक है, करेवा क्या है, तो करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा मिट्टी के समान भूरे रंग का निक्षेप, दलदल व बाढ़ की गिरी अम्लीय परिस्थितियों में वनस्पति पदार्थ के आंशिक अवघटन में बनता है। 50 में जो है वो का हो जाए सभी के सभी सही है, ऑल करेक्ट है। ठीक है, कश्मीरी घाटी के जींद में निक्षेप है। केसर बादाम अखरोट सेब मेवा की खेती के लिए भी प्रयोग होता है, तो ये सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला पार्ट, पार्ट नंबर 3, ये है शिक्षण अभिरुचि। निम्नलिखित मानव आवश्यकताओं की एक श्रृंखला को सामान्य रूप से पूरा किए जाने वाले क्रम मस्लो के पदानुक्रमानुसार में व्यवस्थित करें, सबसे मूल से लेकर उच्च स्तर की ओर जमाना है। ठीक है, तो इसको जमाने के बाद जो हमारा उत्तर आ जाना है वो है, पहले सबसे पहले चौथा जीवन अस्तित्व हेतु मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरा पांचवा, तीसरा फिर पहला, ए ऑप्शन जो है उसके लिए सही है। फिर एक बार पानी प्यास मां हिंदी इंग्लिश सब निकला देवे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कला के रूप में शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ मूल भावना को व्यक्त करता है, कला के रूप में, तो कला के रूप में सीखने की प्रक्रिया में सौंदर्य को शामिल करते हुए शिक्षण कौशलों सुगढ़ता और रचनात्मकता के साथ किया जा सकता है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को अधिगम में सुगम बनाने के लिए उचित नहीं है, तो एक ही समय में बहुत सारी अवधारणाओं को प्रस्तुत करना जो है वो सुचित उगम सुगम बनाने के लिए उचित नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मात्र मानचित्रण के शिक्षण अधिगम और आकलन के प्रयोग के संबंध में सत्य है, तो संकल्पना मानचित्रण के लिए जो सत्य है वो है संकल्पना मानचित्रण जो कि शिक्षण अधिगम की एक युक्ति है, इसको आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एक बार अगर हम बात करें तो सवाल है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम में स्कैफोल्डिंग की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, तो स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग के मतलब आप मन अगर मैं बात करा तो स्कैफोल्डिंग के बारे में थ्योरी पढ़ लेने के बाद एक डाउटेबल एक ऑप्शन जो है वो हमें सही लगी, विद्यार्थियों को स्वतंत्र अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम सहायता प्रदान करना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है, एचपीटेट में रिपीटेड प्रश्न है, सर्वांगीण विकास होते संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में इंटायर एजुकेशन प्रोसेस में मदद करने की बात होती है। ओकर बाद सवाल कहीं से निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति समावेशी वातावरण में बढ़ावा देने में प्रभावी होती, समावेशी सभी परीक्षार्थियों को एक समान शिक्षण विधि का प्रयोग करना, ये जो है बात करेंगे। 58 नंबर में अगर बात करें किस प्रकार के समूह गठन में विभिन्न दृष्टिकोण और सहकर्मी समर्थन के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना होती है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें जाए 58 तो विषम समूह गठन मतलब जहाँ अलग अलग प्रकार के जो है लोग जब समूह में होते तो ज्यादा अधिक संभावना होते सीखने के बढ़ावा मिले। निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी आमतौर पर शिक्षक की शिक्षक परामर्शदाता के रूप में भूमिका से संबंधित नहीं है, तो कहां पर उसे परामर्शदाता नहीं माना जाएगा, तो मनोचिकित्सा क्षेत्र संयुक्त सत्रों का आयोजन करना इस पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, 59 में 3 होंगे। ओकर वाले 60 निम्नलिखित में कौन सी आंतरिक अभिप्रेरित प्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है, तो आंतरिक अभिप्रेरित बच्चों की विशेषता कौन सी नहीं मानी जाती है, तो वे हमेशा सफल होते हैं इस
they always succeed, इसको intrinsically motivated नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से एक extrinsic motivation होता है और एक intrinsic होता है। टेट में भी ये सवाल में motivation के दो सवाल का जिक्र था। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवजन्य अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है? अनुभवजन्य अधिगम का उदाहरण तो व्यवहारिक हैंड्स ऑन कार्यशाला जो है वो आपका हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के अंदर हैंड्स ऑन। कौन सी रणनीति विषय वस्तु को भागों में विभाजित करने एवं समूहों को विभिन्न भागों पर विशेषज्ञ बनाने के लिए शामिल करती है? तो यहाँ अगर बात की जाए तो जिग्सा तकनीक, ठीक है, जिग्सा टेक्निक जो है वो यहाँ पर बात किया जाता है। जिग्सा टेक्निक के लिए अगर हम लोग बात करें तो एक कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक के रूप में जाना जाता है, जहाँ स्टूडेंट्स ब्रोकन करते हैं एक्सपर्ट ग्रुप को में और सब टॉपिक्स को लर्न करते हैं, लार्जर टॉपिक को सब टॉपिक में बांट कर जो है लर्न करने का काम करते हैं। तो ये हमारा जो होगा जिग्सा स्ट्रेटजी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 62 नंबर के सवाल की, ठीक है, जिग्सा में जिग्सा हो गया। इसके बाद है 63, एक अच्छे शिक्षक को, 62 में हमारा भी हो गया, 63, एक अच्छे शिक्षक को मुक्त होना चाहिए, क्या चीज से मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए एक अच्छे शिक्षक को, ठीक है। तो एक अच्छे शिक्षक को मुक्त होना चाहिए व्यक्तिगत अनुभव जैसे पर्सनल है तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एकेडमिक अकादमिक जड़ता, फाइनेंशियल रिसोर्स और कम्युनिटी एक्सपीरियंस, तो क्या क्या चीजों से फ्री होना चाहिए। तो फ्री इसमें कहीं ना कहीं अगर फ्री होने की बात की जाए तो व्यक्तिगत अनुभव है हमको, अगर किसी भी चीज का अनुभव मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं उससे मुक्त होने फ्री होने वाली बात नहीं है। एकेडमिक जड़ता, मेरा अनुभव ऐसा है तो सबका अनुभव ऐसा हो जरूरी नहीं समझा जा सकता। एकेडमिक जड़ता कभी भी एकेडमिक एकदम नहीं बढ़ जाना चाहिए हमको। कम्युनिटी एक्सपीरियंस सामुदायिक अनुभव, तो ये कहीं ना चीजें हर किसी के लिए जो है वो साथ नहीं मानी जाती है, हर कोई अलग अलग होता है, थोड़ा इस पर ध्यान दें। नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे वहाँ के जैसे प्याज लगे थे हिंदी छत्तीसगढ़ी सब निकल जाते हैं। कोल्ब के सीखने के चरण को उसके सही विकल्प से मिलाइए, ठीक है। तो ये मैं सीधा मैं विकल्प मिला के आपको बताया था 64 नंबर में लगभग बी डी एक में ए बी डी के आसपास के ऑप्शन के में ए वाला एक तो क्लियर 65। रमेश एक ऐसे शिक्षक हैं, एक बार इधर 64 वाला का आंसर जो भी मिली होगा कमेंट में बताइए। रमेश एक ऐसे शिक्षक है जिनको शिक्षा शास्त्र पेडागॉजी की गहरी समझ है, वह अपनी शिक्षण विधियों से फील्ड ट्रिप शैक्षिक यात्रा का प्रयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम में फील्ड ट्रिप का मुख्य शैक्षिक लाभ क्या है? तो फील्ड ट्रिप करे में का फायदा है ओकर बात करेंगे। उन्हें उन चीजों को प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव प्रदान करने के लिए जो कक्षा में नहीं है, ठीक है, जो कक्षा में नहीं है वो चीज का अनुभव करेंगे जो है मेरे बात रखेंगे। डी में तो हम 65 में भी 4 है ना, एमा भी ऑप्शनल जो 64 नंबर भी बताया रहा हूँ वहाँ पर ज़्यादा जो ऑप्शन है वो 4 के साथ, ठीक है। 65 के बाद 66 है, 66 में है शिक्षण विधि का उसके विवरण के साथ मिलान कीजिए। तो ह्यूरिस्टिक खोज विधि, समस्या समाधान विधि, आत्मन और निगमन विधि, विश्लेषण और संश्लेषण विधि, एक मतलब मैच करना है, ठीक है। एमा जो है वो हमारा मुख्य जो है बन जाना है 66 में बी, ठीक है, 66 में जो सही होना है वो क्या होना है बी सही होना है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका आईक्यू क्या होना चाहिए? तो वास्तविक आयु तो 10 है मगर मानसिक आयु कितना पहुंच गए 12 पहुंच गए तो क्या होना चाहिए 120, ठीक है, क्या होना चाहिए 120, तो करेक्ट क्या हो जाए 120। 68 श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉकलियर प्रत्यारोपण प्रभावी है, कारण बताया गया कॉकलियर इम्प्लांट ध्वनि को बढ़ाकर उपयोगकर्ता के लिए अधिक तेज कर देती है। तो अजर्सन तो सही है मगर रीजन जो है रीजन हमारा कहा हो जाए गलत है, तो ऑप्शन कहा हो जाए सी ज्यादा सही है हमारा बेहतर, ठीक है। 69 निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षकों हेतु मननशील अभ्यासों के महत्व का सर्वेक्षण वर्णन करता है? मननशील अभ्यास, मननशील अभ्यास एक शिक्षक को सीखने सिखाने से संबंधित सूचना में युक्त चुनाव और निर्णय लेने में सहायता है। डी ऑप्शन।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्तर पर शिक्षण हेतु शिक्षण सूत्र नहीं है? तो विद्यालय स्तर पर शिक्षण हेतु शिक्षण इसे नहीं माना जाता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे क्या लिखा गया? एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट लिखा गया। तो अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तो यहाँ नहीं माना जाएगा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? परीक्षण की विशेषता किसे नहीं मानी जाती है? अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, से नहीं मानी जाती है। 72 में पूछे गए हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की भूमिका क्या है? तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की जो भूमिका मानी जाती है, अनुपालन सुनिश्चित करने हैं, तो भय का वातावरण तो कहीं ना कहीं डाउटेबल है, स्पष्ट नियमन एवं परिणाम स्थापित करना, क्लियर रूल्स टू इग्नोर माइनर, तो कभी भी माइनर मिसबिहेवियर को नहीं इग्नोर किया जा सकेगा, सी को तो हटा ही देना है, तो सी एलिमिनेट होने की वजह से कहीं ना कहीं ए बी सी वाला भी जा रहा है, तो ए बी पे थोड़ा सा हम फोकस कर सकते हैं, सी तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, बी ऑप्शन में जा सकते हैं। 73, यूनेस्को रिपोर्ट 1996 द्वारा प्रस्तावित सीखने के चार स्तंभ क्या क्या हैं? तो यूनेस्को रिपोर्ट 1996 द्वारा प्रस्तावित सीखने के चार स्तंभ माने जाते हैं, जानने के लिए लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लाइफ टुगेदर, ठीक है, सी ऑप्शन। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य जो माना जाता है वो माना जाता है विद्यार्थी अधिगम को सुधारने हेतु सतत पृष्ठ पोषण प्रदान करना, टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू इंप्रूव स्टूडेंट लर्निंग। निम्नलिखित एक शिक्षक की विशेषताओं को उनके सामने दिए गए विवरणों के साथ सही मिलान करना है, सही मिलान के सवाल जो है बहुत ज्यादा रही है, बी ऑप्शन में अगर देखा जाए ना कि 75 में हम निकालें जो, हाँ 75 के साथ हम जो है बी ऑप्शन के साथ, ठीक है, 75 में बी। 76 सवाल देखते हैं, पढ़े पढ़े मुझे वो एक तो मुंह के लाल सुखावा थे, अलग प्यास अलग लगा था, पानी भरी है कोई नहीं है, तो जल्दी जल्दी आंसर देख लेते हैं। 76 में कहा है, एक अगला मैडम का बुला पड़ जाए हिंदी इंग्लिश में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। सहयोगात्मक अधिगम कोलाबरेटिव लर्निंग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, एक अगर बात करें जाए तो आप सभी मतलब पता है वहाँ विचार समीपस्थ विकास क्षेत्र जिन बात करेंगे वो हवा लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, लाइव वाइगोत्स्की के बात करेंगे। वार्क मॉडल VAR के, ठीक है, चार प्रकार के, ये तो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी देखे जाते हैं, विजुअल ऑडिटरी रीडिंग राइटिंग प्रेफरेंस एंड नाइस, ये हो गए 4 बी ऑप्शन है ना, तो 77 में हमारा हो जाना है बी, 77 में बी हो जाना है बी ऑप्शन करेक्ट। ओकर बाद हम देखते हैं 78 में का है, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित शैक्षणिक स्तरों में विभाजित किया गया है, तो स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम का कहां-कहां स्तर में विभाजित किए गए, ठीक है, एनईपी 2020 के स्कूल ए बी ए डी ई, सबसे पहले फाउंडेशनल, ठीक है, ओकर बाद फाउंडेशनल के बाद प्री प्रायमरी स्तर पहले दूसरी, ओकर बाद हम बात करते हैं डी मिडिल स्तर, फिर माध्यमिक स्तर, तो हमारा हो जाए फाउंडेशनल स्टेज, प्रीप्रायमरी स्टेज, मिडिल स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज, मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाए, सही ए ऑप्शन। 79 है, कला समेकित अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कला समेकित अधिगम के लिए क्या सही नहीं है? विज्ञान और गणित जैसे विषयों की AIL के द्वारा पढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है, तो एमा जो लिखे गए सॉल्यूशन हमारा हो जाए 79, ठीक एमा हो जाए सी, है ना, सी ही सही। 80 में अगर देखना एक बात, तो अभी भोजन लगा थे और पढ़ाई तो पानी की बजाय पड़ी नाश्ता पानी करे, पर मैडम हिंदी इंग्लिश में पढ़ा दी, आंसर बता दी आप अपन का। 80 जो सवाल है वहाँ आपन के है, रचनावादी उद्गम उपागम में विद्यार्थी की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, रचनावाद इस बात पर जोर देता है कि ज्ञान शिक्षार्थियों द्वारा अंतःक्रिया
प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से निर्मित होता है, ना कि केवल शिक्षक द्वारा थोपा जाता है। एकदम सही बात बोले गए। और रचनावादी उपागम भी वही बात करते हैं जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पहला ऑप्शन जो है वो सही है। एक बार हिंदी इंग्लिश के सॉल्यूशन जो है अपन का मैडम बताइए, मैडम की बात फिर जो है वो देखते हैं कंप्लीट हो जाएगी 100 क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए मैं आपको हिंदी के क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि 81 नंबर से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, कल का अधिकार के शब्द क्या है। तो कल का अधिकार के शब्द के लिए चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स या मल्टीपल ऑप्शन जिसमें हमको सेलेक्ट करना है। बीता हुआ कल की बात कर रहा है, आने वाला दिन, चैन और मशीन की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर, सी ऑप्शन है जो कि चारों को दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर का क्वेश्चन। 82 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैनेजर ने कहा तुम्हें घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठी करनी होगी। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा जा रहा है इस वाक्य से रिलेटेड, उचित विराम चिन्ह वाले वाक्य कौन सा होगा उसकी बात कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा जिसमें क्या लिखा गया है, मैनेजर ने कहा, फिर कॉमा की बात की गई है, तुम्हें घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठी करनी होगी। तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट आंसर होगा 82 नंबर का। नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 जो कि क्या बोल रहा है, वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वाक्य में जो अंग होते हैं वो दो होते हैं, एक जो होता है वो सरल वाक्य होता है और दूसरा जो है वो संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो वाक्य के अंग दो है। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं 84 नंबर का। 84 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमें क्या बोल रहा है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला क्या बोल रहा है, व्याकरण संबंध वाक्य अशुद्ध उच्चारण करने पर अपूर्ण माना जाता है। और दूसरा क्या बोल रहा है, किसी भी भाषा के उच्चारण हेतु चार स्तर निर्धारित है, ध्वनि, शब्द, वाक्य एवं प्रांतीय। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो ए स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और जो बी स्टेटमेंट है वो ट्रू की बात की गई है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी है, ए गलत बी सही, जिसमें आपका जो भाषा के उच्चारण है वो चार निर्धारित चीज़ों से बने गए हैं, मतलब उसके चार स्तर है, ध्वनि, शब्द, वाक्य और प्रांतीय। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो 85 क्वेश्चन नंबर है, जिसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो लोकोक्ति शब्द से है, मतलब लोकोक्ति यहाँ पर दिया गया है जिसको हम लोग को सही रूप में जमाना है, ऊपर नीचे करके दिया गया है। तो यहाँ जो सही रूप होगा इस लोकोक्ति का वो क्या होगा, अपनी, पहला जो होगा वो बी वाला आएगा, अपनी करनी, सेकेंड ए वाला, फिर थर्ड पार और उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, जो क्या है एक तरीके का लोकोक्ति वाक्य। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, पहला हमारा बी है जो यहाँ पर है, नेक्स्ट ए की बात कर रहा है, फिर बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका क्या होने वाला है, आंसर होगा। अगला देखते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों को मैच द फॉलोइंग टाइप से दिया गया है और यहाँ पर हम लोगों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हिंदी के, जिसमें हम लोग क्या पूछ रहा है कि ये कौन से समाज से रिलेटेड है, मतलब समाज के नाम हमको बता दें। तो पहला जो आपको दिख रहा है वो क्या है, पंकज। जो पंकज होता है वो बहुप्रीही की बात करता है, मतलब एक हेतु से हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा जो क्या है, बी ऑप्शन, और इससे हमको बाकी सारा चीज भी पता चल जाएगा। तो 86 नंबर का जो आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन है। अगला देखते हैं 87 क्या हो रहा है, जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग मृदुनासिक कहते हैं। ठीक है, जो सिर्फ मुंह से बोला जाता है, सिर्फ मुंह से उच्चारण जिसका निकलता है उसको मृदुनासिक कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को उचित वर्तनी युक्त शब्द की बात कहा गया है, मैथिली शरण जिसमें बोल बताया गया है उसके लिए मुझे उचित वाक्य बताना है, मतलब उचित उसका शब्द बताना है
तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मैथिली चरण। तो इसका जो सही रूप होगा मैथिली चरण को उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 88 के बाद 89 जो है वो क्या बोल रहा है? चटका शब्द किससे लिया गया है? ठीक है, तो चटका शब्द किससे लिया गया है कि क्या बात कर रहा है? मतलब हमें अलग अलग चीज दिया गया, तत्सम दिया गया, तद्भव दिया गया, देशज और विदेशी। तो यहाँ पर जो चटका है वो एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो चिड़िया होता है। तो यहाँ पर जो संस्कृत वर्ड है इसलिए इसको क्या बोला जाता है? तत्सम शब्द। तो 89 का जो ऑप्शन होगा सही वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और हिंदी सेक्शन के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन वो क्या है? मैथ्स और फॉरेन से रिलेटेड दिया गया है और इसको हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर जो 90 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए आंसर जो होंगे, जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब कि राम किताब पर आया। तो वो क्या है उसके लिए हम लोग 3 लेंगे, मतलब कि सामान्य भूत। और इस तरीके से हमारा जो हिंदी सेक्शन का क्वेश्चन है वो कम्प्लीट होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अब जो नेक्स्ट है वो हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चन जो कि है पार्ट 5। ठीक है, और नंबरिंग में यहाँ पर 91 के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक, तो यहाँ हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है 91 का वो क्या बताया है? चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर एन एक्विलेट और ऑनर बेस्टोर्ड इन रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? डी स्थान से। ठीक है, लॉरेल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो ये 91 नंबर के क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है 92 नंबर का क्वेश्चन उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या बोल रहा है यहाँ पर? इट स्टॉप रेनिंग एंड द ट्रैफिक स्टार्टेड रशिंग। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, इट स्टॉप रेनिंग द ट्रैफिक स्टार्टेड रशिंग। ठीक है, 92 नंबर का जो ऑप्शन होने वाला है आंसर पे वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो जो 93 नंबर का क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पेलिंग चेक की बात की गई है। और स्पेलिंग चेक में यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सुपर सीड की बात कर रहा है। तो सुपर सीड का जो स्पेलिंग होता है वो क्या की बात कर रहा है? SUPER SEDE। ठीक है, सुपर सीड का जो स्पेलिंग होता है ठीक वो क्या बोल रहा है? बी ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो 94 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, करेक्ट प्रीपोजिशन की बात किया है हम लोगों फिलिंग द ब्लैंक्स में, वहाँ पर प्रीपोजिशन डालना है। तो देखते हैं सेंटेंस हमें क्या दिया गया है? शी वॉज बॉर्न ठीक है डैश डिसम्बर डैश मिडनाइट। तो यहाँ जो प्रीपोजिशन होगा जो पहला होगा शी वॉज बॉर्न के पास क्या आने वाला है? इन। जो पहला ब्लैंक होगा उस पर हम क्या प्रीपोजिशन लेंगे? इन। और नेक्स्ट जो है डिसम्बर एट मिडनाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी 94 का आंसर। अगला देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो हमारा पैसेज का क्वेश्चन है। पैसेज भी मैंने चेक किया और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि इसके आंसर्स क्या होने वाले हैं, तो आप लोग अपना चेक करिएगा। पैसेज हमको दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ 94 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, सॉरी 95 नंबर का क्वेश्चन। तो 95 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है यहाँ पर? बिफोर बार्लेस वुड गेट इन टू द हाउस। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होने वाला है सही 95 का वो कौन सा होगा? अकार के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही आंसर होने वाला है, अकार के इसके लिए। ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ और मैं आपको फिर से बोल देती हूँ संभावित आंसर है ये सभी जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग उस अकॉर्डिंग देखिएगा। तो 95 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या है? 96 नंबर का क्वेश्चन। 96 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बार्नेस वांटेड टू। ठीक है, तो बार्नेस वांटेड टू में क्या बात की जा रही है? टेक हिज गन। ये हमारा पैसेज पे दिया गया है, आप लोग पैसेज को ठीक से पढ़ सकते हैं और मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मैंने जो चेक किया उसके अकॉर्डिंग। तो आंसर जो ऑप्शन होगा इसका वो 96। अगला देखते हैं 97 नंबर का क्वेश्चन। 97 क्या बोल रहा है? दिस स्टोरी इज अबाउट। ठीक है, तो दिस स्टोरी इज अबाउट में क्या होने वाला है इसका पैसेज के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पर
समझो का जो ऑप्शन नंबर बी है टू किड्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पर आंसर 97 का हो जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन। 98 नंबर का क्वेश्चन क्या बात किया जा रहा है, 98 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर समझो क्या बोला गया है, सेंटेंस सजेस्टेड दैट लेसी एंड बार्नेस वेयर थीव्स। तो यहाँ हम लोग को मल्टीपल ऑप्शंस पूछना था, मतलब बताना था, तो मल्टीपल ऑप्शंस में हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो ए है आंसर, मतलब कि ए में क्या क्या लिया गया है, सेकंड लिया गया है दे वेयर वेयरिंग डार्क क्लोथ्स, ठीक है, पहला जो है वो, सेकंड यानी दे वेयर वेयरिंग डार्क क्लोथ्स, थर्ड यहाँ पर बात की गई है दे पुट ऑन क्लोथ्स, फोर्थ लिया गया है बार्नेस वांटेड टू टेक अ गन, और फिर जो लास्ट बोला गया है सेवेंथ नंबर का दे रन अवे व्हेन द कार केम, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 98 का जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अगला देखते हैं 99 का क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर ऑर्डर क्या होने वाला है करेक्ट आंसर का वो हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो आने वाला है ऑर्डर वो कौन सा होने वाला है सेंटेंस, मतलब हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग वो होने वाला है फोर्थ नंबर का, ठीक है, सॉरी फोर नहीं सिक्स नंबर का होने वाला है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इस पे चला जाएगा ए पे, ठीक है। तो पहला सिक्स नंबर का स्टेटमेंट जो है यहाँ पर हमको दिया गया है वो आएगा लेसी एंड बर्जेस वेयर वेटिंग इन देयर कार। नेक्स्ट क्या बोल रहा है फोर्थ नंबर का, लेसी एंड बर्नेस एंटर द गार्डन थ्रू अ स्मॉल गेट। तो पहला यहाँ पर सिक्स आएगा, फिर टेन फोर्थ आ जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर का, तीसरे नंबर पे कौन आने वाला है सेकेंड, जो कि क्या बोल रहा है लेसी एंड बर्नेस केम टू अ यार्ड। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है फर्स्ट लेसी कुड नॉट ओपन द किचन डोर, और फिर उसके बाद बोला जा रहा है फिफ्थ में लेसी गॉट इनटू द हाउस अ स्मॉल विंडो, और जो लास्ट होने वाला है वो हम लोग का अ कार अक्रॉस द हाउस। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर होने वाला है आंसर वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 99 का। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है पूरे इंग्लिश सेशन का जो 10 क्वेश्चन में से, तो 100 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है लेसी एंड बार्नेस वेयर वेटिंग फॉर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी अ सिग्नल, ठीक है। तो ये जो थे वो सारे आंसर्स हमारे इंग्लिश सेक्शन के थे, टोटल 10 क्वेश्चन जो कि 91 से 100 तक के स्टार्ट थे। धन्यवाद मैडम। तो ये हमारे जो है वो कंप्लीट हो गए पूरा सब बीएड के जो हमारे मॉडल आंसर की है आज के, ये मैं लगभग 10-12 सवाल में थोड़ा डाउट आवा है, अगर आप मन लोगों का सही उत्तर मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता आप मन के प्यार पिछले बार बनाए गए मॉडल उत्तर के जिसे ही बनाए रखिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां मन प्री डीएलएड के मॉडल आंसर की के बारे में डिस्कस करब। ये सब जानकारी आप मन का हमारे टेलीग्राम ग्रुप यूट्यूब ग्रुप सबके बारे में बच जाए डिस्क्रिप्शन में। अपन प्यार बनाए रहा, तब तक पर जय जोहार जय छत्तीसगढ़।